हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉब कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 10 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक 10 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1 क्वेश्चन क्या है, गिवन ए लिस्ट एल, एक लिस्ट एल दिया हुआ रहेगा। राइट ए प्रोग्राम टू मेक ए न्यू लिस्ट, एक प्रोग्रामिंग लिखना होगा जहाँ पे एक न्यू लिस्ट बनाना होगा एंड मैच द नंबर इन साइड द लिस्ट एल, नंबर को मैच करवाना होगा इन साइड लिस्ट एल में जो रहेगा टू इट्स रेस्पेक्टिव इंडेक्स, उसका रेस्पेक्टिव इंडेक्सेस से इन द न्यू लिस्ट। पुट जीरो एट रिमेनिंग इंडेक्सेस, जीरो पुट करना होगा रिमेनिंग इंडेक्सेस में। ऑल्सो प्रिंट एलिमेंट ऑफ द न्यू लिस्ट इन द सिंगल लाइन। सी एक्सप्लेनेशन फॉर मोर क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बोला गया मोर क्लैरिटी के लिए। जैसे कि यहाँ पे इनपुट दिया हुआ 156, तो आया है पहले 0 देन 11 देन 234 एब्सेंट है, मीन्स यहाँ पे सिक्वेंस में नहीं है। इसके लिए रिमेनिंग में क्या बैठा, 30, 2 के लिए 0, 3 के लिए 0, 4 के लिए 0 देन 5 देन 6। इसका एक्सप्लेनेशन भी वही दिया हुआ है, लिस्ट एल कंटेन 159, ये मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 156। सो एट 156 इंडेक्स ऑफ न्यू लिस्ट द रेस्पेक्टिव वैल्यूज आर पुट एंड रजिस्टर इनिशियलाइज एज 0। इसका जो कोडिंग है वो हम पहले से लिख कर रखे हैं और हर एक कोडिंग लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम पहले ही कमेंट आउट करके रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या है, ये वाला l इज इक्वल टू विद इन थर्ड ब्रैकेट इंट ऑफ i फॉर i इन इनपुट डॉट स्प्लिट देन पैंथिस ओपन क्लोज देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले से ऊपर में दिया हुआ है। द फर्स्ट लाइन टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन व्हिच इज देन स्प्लिट इनटू ए लिस्ट ऑफ इंटीजर यूजिंग ए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ईच एलिमेंट इन इनपुट स्ट्रिंग इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एन इंटीजर यूजिंग इंट कंस्ट्रक्टर एंड रिजल्टिंग लिस्ट ऑफ इंटीजर इज असाइंड टू ए वेरिएबल l। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू विद इन थर्ड ब्रैकेट 0 देन एस्ट्रिक साइन देन विद इन पैरेंथेसिस मैक्स ऑफ एल प्लस 1। इसका मीनिंग क्या है, क्रिएट ए न्यू लिस्ट कंटेनिंग मैक्सिमम ऑफ एल प्लस 1 जीरोस वेयर मैक्स एल इज लार्जेस्ट एलिमेंट इन एल। दिस क्रिएटेड लिस्ट विद इनफ स्पेस टू स्टोर ऑल एलिमेंट इन लिस्ट एल एट देयर रेस्पेक्टिव इंडेक्सेस। देन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या है, फॉर आई इन रेंज लेंथ न्यू लिस्ट देन पैरेंथेसिस क्लोज देन कोलन देके इंडेंटेशन। इसका मीनिंग क्या है, द फॉर लूप इटरेट्स ओवर ईच इंडेक्सेस आई इन रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट माइनस 1 यूजिंग द रेंज फंक्शन। देन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लोग का क्या है, विद इन फॉर लूप हम लोग टाइप किए इफ आई इन एल देन उसका अंडर में क्या लिखे, न्यू लिस्ट ऑफ आई इज इक्वल टू आई। इसका मीनिंग क्या है, इनसाइड द लूप इफ स्टेटमेंट चेक इफ द वैल्यूज आई इज प्रेजेंट इन एल इफ इट इज देन द वैल्यू एट इंडेक्सेस आई इन न्यू लिस्ट इज अपडेटेड टू मैच आई। दिस मीन्स दैट इफ द वैल्यूज एक्स अपेयर इन एल देन न्यू लिस्ट ऑफ एक्स विल बी अपडेटेड टू एक्स। ये दोनों लाइन का एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट फाइनली हम लोग क्या किए, प्रिंट स्टेटमेंट देके न्यू जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवाया। तो प्रिंट विद इन पैरेंथेसिस स्टार देन न्यू अंडरस्कोर लिस्ट कॉमा एनडी इक्वल टू डबल कोट्स एंड ओपन क्लोज देन पैरेंथेसिस क्लोज। इसका मीनिंग क्या, फाइनली द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज इन द न्यू लिस्ट इन अ सिंगल लाइन यूजिंग द एस्ट्रिक ऑपरेटर टू अनपैक द लिस्ट एंड द एंड पैरामीटर टू स्पेसिफाई एन एम्प्टी स्ट्रिंग एज सेपरेटर बिटवीन वैल्यूज। दिस मीन्स द वैल्यूज इन न्यू लिस्ट विल बी प्रिंटेड विदाउट एनी सेपरेटेड बिटवीन देम। ये जो कोड है ये 100% करेक्ट है, ये अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पाइल एंड रन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो हम लोग का पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस है 4x4 मीन्स 4 टेस्ट केसेस वो हम लोग का पास कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो हम लोग का पास किया कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है टेस्ट केस 1, 2, 3 एंड 4 वो भी हम लोग का पास कर चुका है। तो पहले से और एक बार कोड देख लेते हैं, यह है पहला लाइन कोड देन यह है सेकेंड लाइन ऑफ कोड देन यह है थर्ड लाइन ऑफ कोड देन उसका अंडर इफ आई इन एल देन न्यू लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू आई देन लास्ट में यह प्रिंट स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।